गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपको पता है कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स अप्रोच कर रहे हैं और आप सभी लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, ऐसी उम्मीद है। तो आज के लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में किन किन टॉपिक्स के क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं, और ये जो प्रिपरेशन मैंने किया है ये पुराने पेपर्स की एनालिसिस के बाद किया है, ताकि आपको हेल्प मिल पाए कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें और मैक्सिमम स्कोर कर सकें। तो आइए हम टॉपिक बाय टॉपिक देखते हैं कि किन कौन कौन से टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक्स देखते हैं, और बेसिक्स में मुझे ये आपको बताना है कि सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बेसिक्स का यही है कि डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन क्या है। सो डेफिनेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। साथ ही साथ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आपको डेटा स्ट्रक्चर को कैटेगराइज करने आता हो। आपको पता होगा कि दो तरह से हम कैटेगराइज कर सकते हैं डेटा स्ट्रक्चर को, एक लीनियर और एक नॉन लीनियर। लीनियर और नॉन लीनियर कैटेगरी में कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स आते हैं, आप उसकी लिस्टिंग करें, आप उनको डिफाइन करें, आप उनके एप्लीकेशंस मेंशन करें, और साथ ही साथ हर एक डेटा स्ट्रक्चर का डायग्राम बना के दिखाएं। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के बारे में आप डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, तो सबसे पहले आप उसको डिफाइन करें, फिर आप उसका एप्लीकेशन बताएं कि इस डेटा स्ट्रक्चर का एप्लीकेशन क्या है, कम से कम 2 से 3 एप्लीकेशंस बताएं। फिर उसके बाद आप उस डेटा स्ट्रक्चर का डायग्राम भी बना के दिखाएं। डायग्राम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपने डायग्राम्स बनाए हैं तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, और अगर आपने डायग्राम्स नहीं बनाए हैं क्वेश्चंस को सपोर्ट आंसर्स को सपोर्ट करने के लिए, तो आपको एवरेज मार्क्स मिलते हैं। तो याद रखिए, डायग्राम्स जरूर बनाइए। इसके अलावा हर एक डेटा स्ट्रक्चर्स जो भी आपने पढ़ा है, फॉर एग्जाम्पल एरे, स्टैक, क्यू, लिंक्ड लिस्ट और ट्री एंड ग्राफ, इन सभी डेटा स्ट्रक्चर्स को आपको कैटेगराइज करने आना चाहिए। इसका मतलब है कि इसमें से हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर कौन सा है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर्स क्या है, जिसमें कि आप हायरार्की में डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो केवल ट्री डेटा स्ट्रक्चर ही ऐसा है जिसमें आप हायरार्की में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक टर्म पूछा जाता है कि व्हाट इज द हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर, तो आप उसके रिस्पेक्ट में ट्री लिखेंगे, ट्री को डिफाइन करेंगे, एप्लीकेशन लिखेंगे, इसके इसके डायग्राम बनाएंगे, कितने तरह के ट्रीज पॉसिबल हैं ये भी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पूछा जाता है। ये पूछा जाएगा कि व्हाट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, व्हाट इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, और टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन कौन से नोटेशंस का यूज किया जाता है। तो आपको ये पता ही होगा कि बिग ओ नोटेशन का हम यूज करते हैं, ये हम यूज करते हैं वर्स्ट केस की कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, और हम थीटा नोटेशन का यूज करते हैं जो हम एवरेज केस की कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं, और हम ओमेगा नोटेशन का भी यूज करते हैं जो कि हम बेस्ट केस की कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। तो आपको ये भी आना चाहिए कि ये नोटेशंस क्या रिप्रेजेंट करते हैं, और साथ ही साथ एक प्लॉट जो कि आप सभी को याद होगा कि हम रन टाइम को या जो ग्रोथ ऑफ फंक्शन है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं इस तरह का एक ग्राफ जिसमें एक फंक्शन ग्रो करता है जो कि ओरिजिनल आपका टाइम है, या अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे हैं तो ये फंक्शन अगर ओरिजिनल टाइम को रिप्रेजेंट करता है तो ये एफएन का ग्राफ है, और ये जो ग्राफ है वो सीजीएन, अगर मान ले इसको सी एक कॉन्स्टेंट है और एफएन में से हमने एक टर्म निकाल लिया जो कि जीएन है, तो अगर जो सीजीएन का जो ग्रोथ है वो हमेशा एफएन से ऊपर है तो हम कहते हैं कि हम इसको वर्स्ट केस की कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और अगर जो सीजीएन है वो एफएन के नीचे रहता है उसकी ग्रोथ, तो हम कहेंगे कि ये बेस्ट केस की कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करता है, और अगर हमारा जो फंक्शन है वो दो फंक्शंस के बीच में सी वन जी एन और सी टू जी एन के बीच में कहीं रहता है
तो हम कहेंगे कि ये हमारा एवरेज केस की कॉम्प्लेक्सिटी का प्लॉट है। तो ध्यान रखिए कि ये जो प्लॉट है बहुत इंपॉर्टेंट है, और तीनों के लिए अलग अलग प्लॉट आप बनाएं। आप स्पेसिफाई करें कि एफ एन क्या है, जी एन क्या है, सी वन और सी टू क्या रिप्रेजेंट करते हैं। अगर सी जी एन का जो ग्रोथ है ऊपर की तरफ है तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर सी जी एन का जो ग्रोथ है वो नीचे की तरफ है तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है। अगर टाइटली बाउंड है बिटवीन सी वन जी एन एंड सी टू जी एन, हमारा जो एक्चुअल फंक्शन एफ एन है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप इस डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करें कि कौन कौन से नोटेशन हम यूज करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। एक और टर्मिनोलॉजी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम कह रहे हैं टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ। सो टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ से हम ये देखते हैं कि जब भी हम किसी एल्गोरिथम को टाइम के ऊपर इम्प्रूव करते हैं तो वो स्पेस ज़्यादा लेने लगता है, और अगर हम स्पेस के रेस्पेक्ट में अपनी एल्गोरिथम को बढ़िया करने की कोशिश करते हैं, बेटर करने की कोशिश करते हैं, तो वो टाइम ज़्यादा लेने लगता है। तो टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ टर्मिनोलॉजी यही है कि टाइम और स्पेस के बीच में एक ट्रेड ऑफ है। तो इस टॉपिक को भी आप अच्छे से पढ़िए और इसको डिफाइन करना, इसको राइटअप प्रिपेयर करना, इसका एग्जाम्पल देना कि कैसे हम किसी एल्गोरिथम को इम्प्रूव कर सकते हैं टाइम के ऊपर तो हमारा स्पेस ज़्यादा लगने लगेगा। तो एग्जाम्पल के थ्रू भी हम आपको इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, और साथ ही साथ ये जो टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ है इसको कुछ एल्गोरिथम के रिस्पेक्ट में आप ज़रूर बताएं, तीन चार एल्गोरिथम्स आप मेंशन करें जिसमें कि हम यूज़ कर अगर हम मेमोरी का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो टाइम हमारा कम लगने लगता है। फॉर एग्जांपल अगर हम मर्ज सॉर्ट यूज़ कर रहे हैं तो मर्ज सॉर्ट में हम एक टेम्पररी एरे का यूज़ करते हैं, तो टेम्पररी एरे हमारा स्पेस कंज्यूम करता है, लेकिन बबल सॉर्ट, सेलेक्शन सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट के रिस्पेक्ट में हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे टास्क हैं जिसको अगर आप विदाउट टेम्पररी एरे करेंगे तो ज़्यादा ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन आप टेम्पररी एरे के साथ जब करेंगे तो कम टाइम लगने लगेगा। तो कोशिश कीजिए कि कुछ एग्जांपल्स लेके इस टर्मिनोलॉजी को आप एक्सप्लेन करें। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो एरे है, और एरे के रिस्पेक्ट में आप सभी को पता होगा कि एरे क्या होता है। तो एरे में सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आते हैं वो आता है इंडेक्स फार्मूला कंप्यूटेशन से रिलेटेड। तो इंडेक्स फार्मूला कंप्यूटेशन से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस आपने ऑलरेडी किए हुए हैं। तो इंडेक्स फार्मूला कंप्यूटेशन में आप सबसे पहले ये देखें कि डायमेंशंस हम कैसे फाइंड करते हैं। तो डायमेंशन का ये मतलब है कि अगर आपके पास एक एरे गिवन है तो आपको ये बताना है कि डायमेंशन की लेंथ कितनी है। फॉर एग्जाम्पल हमने ये कहा कि हमारा एक एरे है जिसमें जो डायमेंशन है वो 2 से स्टार्ट होके 7 तक जाता है। इसका मतलब है कि सबसे छोटा इंडेक्स 2 है और सबसे बड़ा इंडेक्स 7 है। तो 2 मेरा लोअर बाउंड है, 7 अपर बाउंड है, और आपको ये फाइंड करना है कि डायमेंशन की लेंथ कितनी है। तो डायमेंशन की लेंथ होगी अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। तो इस केस में डायमेंशन की लेंथ हो जाएगी 6। तो 2D एरे होगा तो भी आप डायमेंशन की लेंथ फाइंड कर सकते हैं, 3D एरे होगा तो भी आप डायमेंशन की लेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो डायमेंशन की लेंथ इज वन थिंग। दूसरा क्या है कि टोटल एलिमेंट्स कितने हैं आपके एरे में, आपको ये भी निकालने आना चाहिए। तो ये आपको पता है कि कैसे आप फाइंड करते हैं टोटल एलिमेंट्स। अगर आपके पास मान लीजिए कि आपने लेंथ फाइंड कर लिया है डायमेंशन की d1 और d2, तो अगर ये 2D एरे है तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, d1 को d2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर ये 3D एरे है तो उसमें एक डायमेंशन 3 भी होगा, तो आप d1, d2 और d3 तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे। फिर इसके बाद इंडेक्स फार्मूला में आपको वैल्यूज पुट करने आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपका एक 2D एरे है रो मेजर ऑर्डर का, तो उसमें हम कैसे फाइंड करते हैं किसी ij एलिमेंट का एड्रेस। दिस इज इक्वल्स टू बेस एड्रेस प्लस, अगर आप i का एड्रेस फाइंड कर रहे हैं रो मेजर में, तो i-1 इंटू डायमेंशन हम यहाँ पे लगाएंगे, तो यहाँ पे d2 लगाएंगे और प्लस j-1, और
अल्फा को छोड़ के सारी क्वांटिटी को एन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जहां पे एन इज द टोटल नंबर ऑफ बाइट्स ऑक्यूपाइड बाई द एलिमेंट इन द मेमोरी। तो ये जो फार्मूला है वो 2D एरे का बन गया। अब इस 2D एरे में आप वैल्यूज को पुट कर दीजिए एंड यू विल गेट द आंसर। आई माइनस वन नहीं होगा बल्कि आई माइनस लोअर बाउंड 1 और आई माइनस जे माइनस लोअर बाउंड 2। फाइन, तो लोअर बाउंड 1 जो है वो रो साइड का डायमेंशन में लोअर बाउंड हो गया और L2 जो है वो कॉलम साइड के डायमेंशन में लोअर बाउंड हो गया। तो इस फार्मूला में आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आंसर्स फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से आप 3D एरे का भी फाइंड करें, रो और कॉलम दोनों में करें, तो ये क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्जाम में इंडेक्स फार्मूला कंप्यूटेशन का। साथ ही साथ आपको एक जानकारी और होनी चाहिए कि जो सी एरे होता है, अगर क्वेश्चन उसके बेसिस पे आएगा तो कैलकुलेशंस थोड़ी सी अलग सी हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने ये कहा कि मेरे पास एक सी एरे है A5 6, तो इस A5 6 में आपको नहीं पता कि लोअर बाउंड क्या है, लेकिन आपको ये तो पता ही है कि सी एरे में लोअर बाउंड क्या होता है। तो लोअर बाउंड जो सी एरे में होता है आपको पता है कि वो होता है 0, और अपर बाउंड इस केस में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने लास्ट एलिमेंट 5 साइज का माना है कि आपका एरे है या डायमेंशन है, तो उसका जो लास्ट इंडेक्स होता है वो n-1 होता है। तो 0 आपका लोअर बाउंड हो गया और अपर बाउंड 4 हो गया। सिमिलरली जो कॉलम साइड का है वो 0 हो गया लोअर बाउंड और अपर बाउंड हो गया 5। तो आप जो कैलकुलेशंस करें आप इन वैल्यूज के साथ करें, L1 आपका हो गया 0, U1 हो गया 4, L2 हो गया 0 और U2 हो गया 5। तो आप जब कैलकुलेशंस करें तो इन्हीं वैल्यूज के साथ कैलकुलेशंस करें। तो एरे से यूजुअली इसी टाइप के क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होते हैं। स्टैक की बात करते हैं, और स्टैक में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रिमिटिव ऑपरेशन स्टैक के आप डिफाइन करें। तो प्रिमिटिव ऑपरेशन का ये मतलब है कि आप बेसिक ऑपरेशन इसके पुश पॉप स्टैक टॉप, स्टैक टॉप को हम पी फंक्शन भी कहते हैं, तो आप प्रिमिटिव ऑपरेशंस को डिफाइन करें और प्रिमिटिव ऑपरेशंस के एल्गोरिथम लिखें। तो कोशिश ये कीजिए कि आप इन ऑपरेशंस को एरे के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं और एरे के थ्रू जो ऑपरेशंस हैं उनको डिफाइन करते हैं। साथ ही साथ एक क्वेश्चन और भी है कि ओवरफ्लो और अंडरफ्लो कंडीशंस क्या होती हैं स्टैक के रेस्पेक्ट में। तो ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो कंडीशंस को आप डिफाइन करें और बताएं कि ओवरफ्लो कब होता है हमारे स्टैक में, अंडरफ्लो कब होता है। एग्जाम्पल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करके जरूर बताएं, डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करके जरूर बताएं। फिर एक क्वेश्चन जो कि हमेशा आता है वो है इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्जन। एक इनफिक्स एक्सप्रेशन गिवन है और आपको उसको पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है यूजिंग दिस स्टैक। एक टेबुलर मेथड होता है जो आपको ने पढ़ा होगा, तो उस टेबुलर मेथड से आप इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट कर दें, जिसमें आप स्टैक का यूज करेंगे। और आप जब भी ये कन्वर्जन पढ़ें तो ऐसे एक्सप्रेशन जरूर देख लें जिसमें पैरेंथेसिस या ब्रैकेट्स इन्वॉल्व हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसे एक्सप्रेशन जरूर देखें कि जिसमें कि पैरेंथेसिस इन्वॉल्व है। जब भी आप इनफिक्स से पोस्ट फिक्स में कन्वर्जन कर रहे हैं तो आप ऐसा अज्यूम कर लें कि लास्ट एलिमेंट आपका एक्सप्रेशन का डॉलर है। ओके, तो डॉलर जहां पे होता है वहीं पे हमारा एंड ऑफ एक्सप्रेशन माना जाता है। फिर एक और क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है स्टैक के रेस्पेक्ट में, वो है पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन का इवेल्युएशन। और ये क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्जाम में, तो आपको पता है कि आप किस तरह से इवेल्युएट कर सकते हैं पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन का स्टैक का यूज करके। आप हमेशा टेबुलर मेथड से ही शो करें पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन का इवेल्युएशन। इसके अलावा दो और क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है स्टैक से रिलेटेड। एक है कि एक एक्सप्रेशन गिवन है, आपको ये चेक करना है कि क्या वो एक्सप्रेशन वैलिड है कि नहीं है विद रिस्पेक्ट टू पैरेंथेसिस पोजिशन। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास अगर ऐसा एक्सप्रेशन है तो ये पैरेंथेसिस के रिस्पेक्ट में सही है, ये एक्सप्रेशन भी पैरेंथेसिस के रेस्पेक्ट में सही है, लेकिन ये एक्सप्रेशन गलत है। तो आपको स्टैक के थ्रू चेक करने आना चाहिए कि ये हमारा जो पेयर ऑफ पैरेंथेसिस है, एक्सप्रेशन है, वो सही है या गलत है। इसी तरह से एक स्ट्रिंग आपके पास गिवन है और आपको ये फाइंड करना है कि ये इस स्ट्रिंग का रिवर्स स्ट्रिंग क्या होगा। तो स्ट्रिंग रिवर्स फंक्शन को स्टैक के थ्रू आप फाइंड करें, इसकी एल्गोरिथम लिखें, इसको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करें कि किस तरह से ये ऑपरेशन हो रहा है।
तो ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं स्टैक से रिलेटेड। रिकर्शन की बात करते हैं। रिकर्शन में बहुत ज़्यादा तो क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, लेकिन हाँ एक क्वेश्चन जरूर बनता है जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, पॉपुलर क्वेश्चन है टॉवर्स ऑफ हनोई का। तो टॉवर्स ऑफ हनोई में आपको एल्गोरिथम भी लिखने आनी चाहिए कि किस तरह से ऑपरेशन हो रहे हैं और साथ ही साथ मूवमेंट किस तरह से हो रहे हैं ये आपको फाइंड करना आना चाहिए। और मूवमेंट जब आप फाइंड कर रहे हैं तो फॉर एग्जांपल अगर आपसे ये कहा गया कि तीन डिस्क आपको गिवन है और लेट से वो तीन डिस्क का मूवमेंट कराना है हमें टावर्स में, तो इसमें ए बी सी मान लेते हैं कि ए सोर्स टावर है, बी मीडिएटर टावर है और सी डेस्टिनेशन टावर है। तो इसको हम जब रिकर्शन से सॉल्व करते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि दो डिस्क को मूव करा देते हैं सोर्स से मीडिएटर में। इसके लिए डेस्टिनेशन को एज ए मीडिएटर यूज़ कर लेते हैं। फिर इसके बाद जो एक डिस्क होती है उसको हम मूव करा देते हैं सोर्स से डेस्टिनेशन में, और जो दो डिस्क हमारी मीडिएटर में चली गई हैं मतलब बी में, उसको हम डेस्टिनेशन में ट्रांसफ़र कर देते हैं यूजिंग सोर्स। तो हमें जो दिखाना है मूवमेंट वो इस फॉर्म में दिखाना है, करेक्ट? पर ये रिकर्सिव कॉल्स हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें कि हमने क्या किया रिकर्सिव कॉल में, कि फर्स्ट कॉल में हमने बी और सी को एक्सचेंज कर दिया है और सेकंड कॉल में ए और बी को एक्सचेंज कर दिया है जो फर्स्ट टू है। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे, इसको भी हम एक्सपेंड करेंगे, इसी तरह से हम इसको भी एक्सपेंड करेंगे जब तक कि सिंगल डिस्क हमारे पास ना आ जाए। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमें इसको करना है तो इसमें पहले मूवमेंट क्या होगा, लास्ट के टू को हम एक्सचेंज कर देंगे, मतलब सी बी एक्सचेंज होके हो जाएगा बी एंड सी, ठीक है? फिर हम ए से बी मूव करा देंगे अपनी डिस्क को और जो हमारा लास्ट होगा दैट विल बी फर्स्ट टू को हम एक्सचेंज करते हैं, तो सी ए एंड बी। जब एक डिस्क आ जाए तो आप डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब कि ए से सी ट्रांसफर यहां हो जाएगा, तो यहां आप इसको शो कर दीजिएगा ए से सी ट्रांसफर। सिमिलरली यहाँ पे एक डिस्क है तो सी से बी ट्रांसफर हो जाएगा सोर्स से डेस्टिनेशन, फाइन? तो आप इसको पूरा एक्सपेंड करके बताएं एंड देन उसका लिस्ट आउट करें कि कौन कौन सी एक्टिविटी पहले हुई। तो ये टावर्स ऑफ हनोई का क्वेश्चन 100% आएगा आपके एग्जाम में, जरूर पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद तो एक क्वेश्चन आता है कि टाइप्स ऑफ रिकर्शन के बारे में, और टाइप्स ऑफ रिकर्शन में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा टेल रिकर्शन। ये पूछा जाता है कि टेल रिकर्शन क्या है, तो आप इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? टेल रिकर्शन में आप बताएंगे कि अगर किसी रिकर्सिव कॉल में लास्ट स्टेटमेंट या रिटर्न स्टेटमेंट के साथ में हमारा रिकर्सिव कॉल है तो ये हमारा टेल रिकर्शन हो गया। इसी तरह से अगर फर्स्ट स्टेटमेंट ही हो जाए रिकर्सिव कॉल तो हम उसको कहेंगे हेड रिकर्शन, और अगर ना ही स्टार्टिंग में रिकर्सिव कॉल है ना ही एंड में रिकर्सिव कॉल है, कहीं बीच में रिकर्सिव कॉल है तो हम उसको कहेंगे हेड बॉडी रिकर्शन। नाउ अगर मेरे पास एक से ज्यादा रिकर्सिव कॉल्स हैं तो हम कहेंगे ये ट्री रिकर्शन है, और अगर हमारा फंक्शन ऐसा है जिसमें कि हेड रिकर्शन जैसा भी दिख रहा है और टेल रिकर्शन भी जैसा दिख रहा है तो ऐसे रिकर्शन को हम कहेंगे मिक्स्ड रिकर्शन। तो टाइप ऑफ रिकर्शन आपको पता होना चाहिए, इनके एक एक एग्जाम्पल्स भी आप जरूर याद रखें, और अगर पॉसिबल हो तो मूवमेंट्स के थ्रू आप ये दिखाएं, डायग्राम के थ्रू दिखाएं कि कहाँ पे रिकर्सिव कॉल्स हो रही हैं। तो क्यूए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे कि निश्चित रूप से आपके पेपर में एक क्वेश्चन होगा, और इसमें जो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है वो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है कि लीनियर और सर्कुलर व्यू के ऑपरेशन किस तरह से परफॉर्म किए जाते हैं। तो आपको कुछ इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन जिसको हम इनक्लूड इन पी क्यू कह रहे हैं, तो उन ऑपरेशन के सीक्वेंस गिवन होकर आपको क्यू में दिखाना पड़ेगा कि ये ऑपरेशन किस तरह से परफॉर्म हो रहे हैं। साथ ही साथ आपको सर्कुलर के स्पेशली सर्कुलर व्यू का मैं बता रहा हूँ कि ओवरफ्लो और अंडरफ्लो कंडीशन के बारे में पता होना चाहिए। इसको एक्सप्लेन करने के बारे में जरूर पूछा जाएगा ओवरफ्लो और अंडरफ्लो कंडीशंस क्या होती हैं सर्कुलर ट्यूब में, इनके एनक्यू और डीक्यू ऑपरेशंस को एल्गोरिथम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना भी आपको आना चाहिए। तो सर्कुलर ट्यूब और लीनियर ट्यूब में आप ये जरूर देखें और प्रायोरिटी क्यू जरूर देखें, और प्रायोरिटी क्यू में
की डेफिनेशन जरूर देख लें, प्रायोरिटी क्यू क्या होता है और कितने टाइप के प्रायोरिटी क्यूज होते हैं। साथ ही साथ डबल एंडेड क्यू के बारे में भी आप देख लें, डेफिनेशन केवल देख लें कि क्या होता है डबल एंडेड क्यू और इसके वेरिएशंस, जैसे कि इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डबल एंडेड क्यू और आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड डबल एंडेड क्यू क्या होते हैं, उसको आप जरूर से देख लें। तो प्रायोरिटी क्यू और डी क्यू को आप केवल डेफिनेशन के फॉर्म में देख सकते हैं, लेकिन आपको एल्गोरिथम के फॉर्म में देखना पड़ेगा सर्कुलर क्यू और लीनियर क्यू, और इनमें ऑपरेशंस किस तरह से परफॉर्म हो रहे हैं उनको डायग्राम्स के फॉर्म में शो करना स्टेप बाय स्टेप। लिंक्ड लिस्ट के बारे में देखते हैं, लिंक्ड लिस्ट पे तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और ये क्वेश्चन जरूर होता है कि लीनियर क्यू में इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म होते हैं। तो लीनियर लिंक्ड लिस्ट में लीनियर लिंक्ड लिस्ट में इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशंस परफॉर्म करना और इन ऑपरेशंस को डायग्राम्स के थ्रू शो करना स्टेप बाय स्टेप, पॉइंटर एडजस्टमेंट्स को शो करना, ये जरूर आपको जानना चाहिए। और साथ ही साथ इनका एल्गोरिथम भी पूछा जाता है या इसका सी फंक्शन भी पूछा जा सकता है। तो लीनियर लिंक्ड लिस्ट और सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट और डबली लिंक्ड लिस्ट, इन तीनों में से एक में ये जरूर पूछा जाएगा इंसर्शन और डिलीशन प्रोसेस कैसे होता है। साथ ही साथ एक क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें इससे रिलेटेड दो सॉर्टेड लिंक लिस्ट आपको गिवन है और सॉर्टेड लिंक लिस्ट को आपको मर्ज करके बताना है, मर्ज करके सिंगल सॉर्टेड लिंक लिस्ट बताना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही साथ साथ एक पॉलिनोमियल अगर आपको गिवन है तो उस पॉलिनोमियल को आप लिंक लिस्ट के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और उन पॉलिनोमियल्स का एडिशन कैसे परफॉर्म करेंगे। तो ध्यान रखिए कि लिंक्ड लिस्ट का क्वेश्चन जब भी आए तो सबसे पहले आप बॉक्स वाले डायग्राम्स बनाएं, डायग्राम्स के थ्रू प्रोसेस को करके दिखा दें, देन आप एल्गोरिथम लिखें। तो 50% मार्क्स तो आपको डायग्राम्स के थ्रू जो आप शो करते हैं तो उसी से मिल जाते हैं। तो अगर आपने एल्गोरिथम भी लिख दिया, आपने डायग्राम्स भी बना दिया, तो कहीं पर भी आपके मार्क्स कटने के चांस नहीं। तो ये क्वेश्चन हो गए। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि जरूर पूछा जाएगा, स्टैक को लिंक्ड लिस्ट से कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा और इसी तरह से क्यू को लिंक्ड लिस्ट से कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो स्टैक के सारे ऑपरेशंस, मतलब कि पुश पॉप ऑपरेशन जिसको आप स्टैक टॉप ऑपरेशन भी कहते हैं और इज एम्प्टी ऑपरेशन, ये कैसे हम इंप्लीमेंट करेंगे लिंक्ड लिस्ट के थ्रू। सिमिलरली क्यू में भी पुश पॉप तो नहीं होगा लेकिन एमक्यूटी क्यू हम कहेंगे वहां पे, और वहां पे क्यू में ये पूछा जाएगा कि एम्प्टी फंक्शन कैसे डिफाइन करेंगे। तो एमक्यू डीक्यू ऑपरेशन किस तरह से होगा परफॉर्म और इज एम्प्टी ऑपरेशन किस तरह से परफॉर्म होगा क्यू में, ये आप लिंक्ड लिस्ट के थ्रू करके दिखाएं। तो दो में से एक में जरूर पूछा जाएगा, या तो स्टैक यूजिंग लिंक्ड लिस्ट या क्यू यूजिंग लिंक्ड लिस्ट। तो यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि आप इसको जरूर देखें। थ्री की बात करते हैं, शायद सबसे ज्यादा वेटेज इसी का होगा आपके पूरे एग्जाम में। तो थ्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज को है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि टर्मिनोलॉजीज क्या है, स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री क्या है, कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या है, ट्री में हाइट का क्या रोल है, कैसे हाइट फाइंड करते हैं, लेवल का क्या रोल है। तो इसको इन द फॉर्म ऑफ डेफिनेशन आप पढ़ लें। फिर इसके बाद ट्रैवर्सल मेथड्स देख लें कि कौन कौन से ट्री में ट्रैवर्सल मेथड्स होते हैं। तो आपको ये पता ही होगा कि ट्री में प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल और इन ऑर्डर ट्रैवर्सल होता है। तो इनको आप ट्री पे कैसे परफॉर्म करते हैं स्टेप बाय स्टेप दिखाइएगा, शॉर्टकट पर मत लिखिएगा अदरवाइज शॉर्टकट में नंबर मिलेंगे। आप स्टेप बाय स्टेप दिखाएं कि एक नोट पे कैसे परफॉर्म हुआ, दूसरे नोट पे कैसे परफॉर्म हुआ एंड सो ऑन सो फोर्थ। सिमिलरली प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर अगर आपको गिवन है तो आप इसे ट्री कैसे बनाएंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए, और पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर गिवन है तो उससे आप ट्री कैसे बनाएंगे। तो इसको भी आप स्टेप बाय स्टेप शो करके दिखाएं। एक्सप्रेशन ट्री निश्चित रूप से इसका एक क्वेश्चन होगा, एक एक्सप्रेशन गिवन है, उस एक्सप्रेशन से आप किस तरह से ट्री बनाएंगे। इसमें सबसे पहले आप क्या करते हैं, सब एक्सप्रेशन बनाते हैं डिपेंडिंग ऑन द प्रायोरिटी एंड देन उसके बाद फिर आप उस सब एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्री लाइक दिस। तो आपको सब एक्सप्रेशन में भी कन्वर्जन दिखाना होगा स्टेप बाय स्टेप एंड देन स्टेप बाय स्टेप ट्री का कंस्ट्रक्शन।
फिर एक क्वेश्चन हफमैन कोडिंग से एक्सपेक्टेड है, जरूर आएगा हफमैन कोडिंग का। फ्रीक्वेंसीज गिवन है, कैरेक्टर्स गिवन है, आपको असेंडिंग सीक्वेंस पर फ्रीक्वेंसीज को अरेंज करके सबसे पहले हफमैन ट्री बनाना है, और हफमैन ट्री बनाने के बाद लेफ्ट ब्रांच को 0 4 देके और राइट ब्रांच को 1 4 देके हर एक कैरेक्टर का कोड निकालना है। साथ ही साथ आपको ये भी आना चाहिए कि हम पाथ लेंथ कैसे निकाल रहे हैं और वेटेड पाथ लेंथ कैसे निकाल रहे हैं, ये हमें कोड की लेंथ बताता है। एक काम और, क्योंकि ये यूनिक प्रीफिक्स कोड्स होते हैं हफमैन कोड्स, तो कोड से कैसे हम कैरेक्टर को गेस कर सकते हैं, उसको हम कह रहे हैं डीकोडिंग। ठीक है, एनकोडिंग तो आपने कर लिया हफमैन कोडिंग के थ्रू, तो अब डीकोडिंग कैसे करेंगे कोड से कैरेक्टर से। नेक्स्ट क्वेश्चन बाइनरी सर्च ट्री, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाइनरी सर्च ट्री में आपको आना चाहिए कि अगर हमें नंबर्स गिवन है या अल्फाबेट्स गिवन है, तो हम कैसे उसको ट्री में कन्वर्ट करते हैं, ट्री कैसे बनाते हैं। ध्यान रखिए कि हर एक बार इंसर्शन प्रोसेस को रूट से ही स्टार्ट कीजिएगा, तभी सही ट्री बनेगा। और बाइनरी सर्च ट्री में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके डिलीशन के केसेस। तो डिलीशन के जो केसेस है वो आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो हर एक केस, 0 चाइल्ड वाला केस या 1 चाइल्ड वाला केस या 2 चाइल्ड वाले केस को आप डायग्राम्स के थ्रू एक्सप्लेन करें, अपने पैराग्राफ में एक्सप्लेन करें। दो दो एग्जाम्पल लें, एक एग्जाम्पल से काम मत चलाइए। फिर है एवियल ट्री है। एवियल ट्री में भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये कि एवियल ट्री के रोटेशन क्या होते हैं। 2 नंबर का एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्जाम में कि एवियल ट्री के रोटेशन को एक्सप्लेन कीजिए। तो आपको पता है कि इसमें आर आर रोटेशन होता है, आर एल रोटेशन होता है, एल एल रोटेशन होता है, और एल आर रोटेशन होता है। इसमें आर आर और एल एल सिंगल रोटेशन होते हैं, जबकि आर एल और एल आर डबल रोटेशन होते हैं। तो इनको आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सप्लेन करें, एंड देन उसके बाद आप इसको वर्ड्स में भी लिखें कि ये प्रोसेस किस तरह से हो रहा है। और कुछ कीज गिवन होंगी आपको, या हो सकता है अल्फाबेट्स गिवन हो, या हो सकता है नेम्स गिवन हो, तो इससे आप एबल ट्री कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे ये आप शो करें। एबल ट्री में कई क्वेश्चंस को जब भी आप सॉल्व कर रहे होंगे, तो ध्यान रखिए कि जब तक कोई रोटेशन नहीं हो रहा, आप सेम ट्री में कंटिन्यू करें, और जैसे ही रोटेशन की रिक्वायरमेंट है, आप उसको नए ट्री में बना के दिखाएं। तो ये स्टेप बाय स्टेप ग्रो करता हुआ आना चाहिए आपका कंस्ट्रक्शन। सिमिलरली ये क्वेश्चन जो बीजी का है, बीजी में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ ट्री, एंड देन उसके बाद से किस तरह से आप ट्री बनाते हैं ऑर्डर से। तो याद रखिए आपको केवल ऑर्डर से ही करना है, डिग्री से नहीं करना है। ऑर्डर गिवन है, ऑर्डर से आप किस तरह से ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे। यहाँ पे भी जब तक स्प्लिटिंग रिक्वायर्ड नहीं है नोड्स की, तब तक आप सेम ट्री में दिखाएं, और जैसे स्प्लिटिंग रिक्वायर्ड आप इसको न्यू ट्री में दिखाएं। तो आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट जरूर कीजिएगा कि हफमैन कोडिंग से जरूर आएगा क्वेश्चन, डीएसटी से जरूर आएगा, एवल ट्री से जरूर आएगा, बी ट्री से जरूर क्वेश्चन आएगा, एक्सप्रेशन ट्री का क्वेश्चन जरूर आएगा, ट्रैवर्सल से क्वेश्चन जरूर आएगा, और एक क्वेश्चन डेफिनेशन से भी आएगा। तो ट्री में कोई भी पार्ट स्किप नहीं किया जा सकता, ये सारे के सारे जो चीजें हैं वो आप जरूर पढ़ लीजिए। ग्राफ की बात करते हैं, और ग्राफ में जो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है आपसे, वो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है डेफिनेशन। जरूर एक क्वेश्चन आपके डेफिनेशन में से होगा। और ग्राफ में मल्टी ग्राफ क्या है, कनेक्टेड ग्राफ क्या है, वेटेड ग्राफ क्या है, और कंप्लीट ग्राफ क्या है, इन सभी के डेफिनेशन जरूर आप देख लीजिएगा। साथ ही साथ ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है मेमोरी में, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिप्रेजेंटेशन का मतलब सिंपली यही है कि हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या एडजेसेंसी लिस्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये एक पहले आप डायरेक्टेड ग्राफ के थ्रू दिखा दें, फिर अनडायरेक्टेड ग्राफ के थ्रू दिखा दें, इन दोनों रिप्रेजेंटेशन को, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपके सामने। फिर ट्रैवर्सल मेथड्स, आपको पता है कि 2 ट्रैवर्सल मेथड्स होते हैं। एक होता है डीएफएस, जिसको हम ब्रेडथ फर्स्ट सर्च कर रहे हैं, और एक है डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो या तो बीएफएस पूछा जाएगा या डीएफएस पूछा जाएगा। जब भी एक क्वेश्चन दिया जाएगा बीएफएस निकालने के लिए या डीएफएस निकालने के लिए, तो साथ ही साथ एल्गोरिथम भी जरूर होगी। आप एल्गोरिथम को रट लीजिएगा बीएफएस और डीएफएस। फिर इसी तरह से स्पैनिंग ट्री का है, मिनिमल स्पैनिंग ट्री फाइंड करना। तो मिनिमल स्पैनिंग ट्री में 2 मेथड से फाइंड किया सकता है, एक प्रिम्स मेथड से और एक प्रस्कल मेथड से। तो प्रिम्स मेथड आएगा या प्रस्कल मेथड आएगा, दो में से एक मेथड तो जरूर आएगा। तो इसको आप प्रोसेस भी देख लें और इसके एल्गोरिथम भी रट लें, जरूर आपके एग्जाम में ये पूछा जाएगा। फिर शॉर्टेस्ट पाथ है। शॉर्टेस्ट पाथ में आपको पता है कि 2 तरह से शॉर्टेस्ट पाथ यूजली हम लोग फाइंड करते हैं। एक ऑल पे शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करते हैं, जिसको हम कहते हैं फ्लॉयड वार्शल एल्गोरिथम से।
और सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करते हैं डायस्ट्रास एल्गोरिथम से, तो या तो आपके एग्जाम में वॉशल एल्गोरिथम से क्वेश्चन होगा या डायस्ट्रास से क्वेश्चन होगा। तो ग्राफ में ये जो चार चीजें मैंने आपको बताई हैं, निश्चित रूप से डेफिनेशन रिप्रेजेंटेशन से भी क्वेश्चन होगा, ट्रैवर्सल से भी क्वेश्चन होगा, स्पैनिंग ट्री से भी क्वेश्चन होगा और शॉर्टेस्ट पाथ से भी क्वेश्चन होगा। उसको बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, इन सभी को ध्यान से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन को और एल्गोरिथम को रख लीजिएगा। सर्चिंग की बात करते हैं, और सर्चिंग में बाइनरी सर्च सबसे इम्पोर्टेंट है। बाइनरी सर्च में प्रोसेस कैसे हो रहा है, स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस को डिफाइन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन गिवन है और उसमें एक ई को सर्च करना है एक एरे में, तो उस ई को सर्च करने के लिए कैसे प्रोसेस किया जाए। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले जरूर देख लीजिएगा कि क्या हमारा एरे सॉर्टेड है कि नहीं, अगर नहीं है तो सबसे पहले सॉर्ट कर दीजिएगा एंड देन ऑपरेशन को परफॉर्म कीजिएगा। एक तो हो गया प्रोसेस, दूसरा इसकी एल्गोरिथम, और तीसरा इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, जरूर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी पूछी जाएगी आपसे। इंडेक्स सिक्वेंशियल सर्च भी आप देख लीजिएगा और इसको एज ए प्रोसेस केवल देख लीजिएगा कि इंडेक्स सिक्वेंशियल सर्च कैसे परफॉर्म हो रहा है। अभी तक इसके क्वेश्चन कभी पूछा तो नहीं गया, लेकिन इस साल एक्सपेक्टेड है कि इसका क्वेश्चन पूछा जाएगा। सॉर्टिंग की बात करते हैं, और सॉर्टिंग में आप मेथड्स याद कर लीजिए, क्विक सॉर्ट मेथड, मर्ज सॉर्ट मेथड, डीप सॉर्ट मेथड। इन तीन में से एक सॉर्ट जरूर आपसे पूछा जाएगा, और करना क्या है आपको, प्रोसेस देखना है किस तरह से प्रोसेस हो रहा है स्टेप बाय स्टेप शो करते हुए। फिर उसके बाद इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, निश्चित रूप से ये पूछा जाएगा कि कैसे हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करते हैं। और अगर आप इसकी एल्गोरिथम भी देख लेंगे तो और भी ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एल्गोरिथम से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आई होप आप सभी लोग समझ रहे हैं कि कौन कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद रेडिक्स सॉर्ट है, इसका आप केवल प्रोसेस देख लीजिएगा कि किस तरह से रेडिक्स सॉर्ट परफॉर्म होता है। स्पार्स मैट्रिक्स की बात करते हैं, और स्पार्स मैट्रिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि आप शॉर्ट नोट्स की तरह से इसको देखें, स्पार्स मैट्रिक्स क्या होता है और स्पार्स मैट्रिक्स को किस तरह से मेमोरी में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आपको पता है कि इसके दो रिप्रेजेंटेशन होते हैं, एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होता है और एक लिंग्विस्ट रिप्रेजेंटेशन होता है। तो दोनों रिप्रेजेंटेशन आप देखें कि किस तरह से स्पार्स मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। और एक क्वेश्चन जो बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है वो है एडिशन ऑफ स्पार्स मैट्रिक्स। तो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस, विश यू गुड लक स्टूडेंट्स फॉर द एग्जाम्स। और उन सभी जो टॉपिक्स हैं जो मैंने आज एक्सप्लेन किया, इसकी वीडियोस मैंने बनाई हुई है और इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ। आपको वहाँ से हर एक टॉपिक का लिंक एक्सप्लोर करके उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा एग्जाम्स के बारे में। अपने फ्रेंड्स को भी बताइए ये वीडियोज़ हैं, और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और अपडेटेड रखिए डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड नए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड विश यू गुड लक फॉर द एग्जाम्स।